मच्छर और मलेरिया से बचाने के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक मच्छरदानियों का वितरण सवालों के घेरे में है। स्वास्थ्य विभाग को बड़ी मात्रा में मच्छरदानी दी गई थी, मगर बेहद हैरानी की बात है कि वितरण के बाद स्वास्थ्य महकमा इनका फॉलो अप लेना ही भूल गया। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में इनका उपयोग हो रहा है, न इसकी महकमे को ही खबर नहीं है। मच्छरदानी ग्रामीण क्षेत्रों में बटिया नहीं, इसके भी हकीकत में पुख्ता प्रमाण महकमे में पेश नहीं किए गए। यह बात जरूर है कि कागजों में इसका वितरण 100% हो गया है। जून माह में चलने वाले मलेरिया रोधी माह के शुरू होने के बाद अब जाकर स्वास्थ्य विभाग के मुखिया यानी सिविल सर्जन को ग्रामीण क्षेत्रों में बांटी गई मच्छरदानियों की याद आई है। मलेरिया से रोकथाम के लिए आज जिला अस्पताल से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि एक माह तक गांव-गांव में दस्तक देकर लोगों को मच्छर से होने वाली बीमारियों से जागरूक करेगा। सिविल सर्जन खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस दौरान वे घर घर इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि गाँव में मच्छरदानियों का इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं। अब ये बात भी गौर करने वाली है कि क्या गरीब 2 लाख से भी अधिक मच्छरदानियों का फॉलोअप चंद मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आखिर कैसे ले सकेंगे। मलेरिया से संबंधित मलेरिया नियंत्रण सबकी चिंता, सबकी भागीदारी। तो भैया मलेरिया से संबंधित मैं आपको जरूरी बातें बताने आया हूँ, अगर आप जल्दी में जा रहे हो तो जरा रुक जाओ और तनक सुन लो। वहाँ मलेरिया माह के रूप में मनाया जाता है और 1 जून से 30 जून तक इसमें हमारे मलेरिया विरोधी कार्यक्रम रहते हैं। इसके लिए एक हवाई रथ का हरी झंडी लेके हम उसका शुभारंभ करने वाले हैं। रथ में हमने हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं जो जनता को अच्छी जानकारी दे पाएंगे मलेरिया के संबंध में कि लोगों को मलेरिया की बीमारी ना हो, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और प्रतिदिन रथ अलग अलग जगहों पर जाएगा। रथ में हमने जो है माइक से बोलने की व्यवस्था भी की है, तो माइक से जो है जानकारी लगातार दी जाएगी। इस दौरान जो भी बुखार से पीड़ित मरीज मिलेंगे उनकी स्लाइड बना के उनका मौके पर ही उपचार किया जाएगा और ग्रामवासियों को जागरूक किया जाएगा कि मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है, इसके विषय में उनको जानकारी दी जाएगी। हमने कुछ ग्रामों में जो एक API से ऊपर पॉजिटिव थे उनमें मच्छरदानी का वितरण शासन की ओर से करवाया गया है, लोगों को मच्छरदानियाँ दी गई हैं। वो मच्छरदानी का सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी रथ के संचालन के दौरान देखा जाएगा और उनको उचित सलाह दी जाएगी। सर करीबन कितनी मच्छरदानी मच्छर और शासन द्वारा हमको 2,38,500 मच्छरदानी उपलब्ध कराई गई थी, वो पूरी मच्छरदानियाँ क्षेत्र में बांटी जा चुकी हैं।